कुलधारा एक प्राचीन गांव है जो 13वीं शताब्दी में बसा था। यहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो बहुत संपन्न और शिक्षित समुदाय था। ये लोग व्यापार और खेती में माहिर थे, लेकिन एक दिन अचानक सब इस गांव को छोड़कर चले गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी ने हमला किया था? नहीं, इसका कारण थोड़ा अलग है। कहा जाता है कि उस समय का स्थानीय शासक गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसके अत्याचार से बचने के लिए गांव के लोगों ने गांव छोड़ दिया और उसे श्राप दिया कि यहां कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान है। लोग कहते हैं कि गांव में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई यहां नहीं बसता। इसीलिए इसे एक भूतिया गांव भी कहा जाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहां की इमारतें किस तरह से बनी हैं। पालीवाल ब्राह्मण बहुत कुशल कारीगर थे। इन घरों की बनावट से हम उस समय की वास्तुकला के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों की निर्माण शैली बहुत ही मजबूत थी। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों का ऐसा संयोजन किया था कि ये संरचनाएं अब भी सुरक्षित हैं। सुनीता ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों को इस शैक्षणिक भ्रमण से कुलधरा गांव के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। प्यारे विद्यार्थियों, हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति का सम्मान कर सके और भविष्य में उसे संरक्षित कर सके।